सबसे पहले आप ये देखो, मुझे इस थंबनेल में इस पर्सन को रिप्लेस करके अपने कैरेक्टर को लाना है। तो बस मैं दोनों इमेज को अपलोड करूंगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा और हमारा इमेज रेडी हो जाएगा। क्यों, सही है ना? अब अगर मुझे अपने कैरेक्टर के बैकग्राउंड को चेंज करना है तो इमेज को अपलोड करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे और हमारा इमेज रेडी हो जाएगा। देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के एक बिल्कुल नए इमेज मॉडल के बारे में। इस इमेज मॉडल में आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो बिल्कुल मिड जर्नी जैसे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप इससे कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ इमेज को बना सकते हो। और अब तक ये फीचर किसी भी फ्री एआई टूल में अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब गूगल आपको ये फीचर फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप एक क्रिएटर हो, शॉर्ट्स या फिर स्टोरी वीडियोस बनाते हो, तो ये आपके काफी काम आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखो, गूगल ने एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज है, और इसे आप नैनो बनाना भी बोल सकते हो। और शायद आपने भी इस एआई मॉडल के बारे में सुना होगा। तो चलो आज हम इसे यूज करते हैं और देखते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजिंग साइट पर गूगल एआई स्टूडियो को सर्च करो और उसे ओपन कर लो। अब इस थ्री लाइन पर क्लिक करो और फिर जेनरेट मीडिया को ओपन कर लो, और अब ट्राई नैनो बनाना को ओपन करो। देखो, इस आइकॉन से आप इमेज को अपलोड कर सकते हो और यहाँ आपको प्रॉम्प्ट देने का ऑप्शन मिल जाता है। चलो अब देखते हैं कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दो इमेज को अपलोड कर देते हैं। देखो, मैंने इन दो इमेज को अपलोड कर दिया है, और अब प्रॉम्प्ट में दोनों इमेज को एक में करने के लिए बोलते हैं। अब थोड़ा वेट कर लेते हैं और हमारा इमेज रेडी हो गया है। आप लोग देख सकते हो इमेज तो काफी डिटेल्ड बना है। चलो अब देखते हैं कि क्या हम इससे अपने स्टोरी के लिए इमेजेस को बना सकते हैं जिसके सारे इमेज में कैरेक्टर एकदम सेम हो, यानी कंसिस्टेंट कैरेक्टर हो। तो सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर के इमेज को अपलोड कर देते हैं, और मैंने एक रैंडम स्टोरी सोचा है कि हमारा कैरेक्टर एक स्कूल में पढ़ता है, फिर वो अपने घर आ जाता है और खाना खाता है। उसके बाद वो अपने कंटेंट के लिए वीडियो एडिटिंग करने लगता है। तो इसके लिए हमें तीन इमेजेस चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर को स्कूल भेजते हैं। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद हम इमेज को बना लेते हैं। थोड़े देर में हमारा इमेज रेडी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इमेज। अब हम सेकेंड इमेज को रेडी करते हैं जिसमें हमारा कैरेक्टर घर आ गया है और खाना खा रहा है। मम्मी चपाती देना एक। तो ये रहा हमारा इमेज। अब हम तीसरे इमेज को बना लेते हैं जिसमें हमारा कैरेक्टर अपने गेमिंग रूम में बैठकर एडिटिंग कर रहा है। तो बस हमारा इमेज रेडी है। अब आप देखो, तीनों इमेज में कैरेक्टर एकदम सेम है और इमेज काफी सही लग रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस टूल का यूज करके इमेजेस को बनाया। देखो, आप इस सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करके इसके सेटिंग को देख सकते हो, लेकिन आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। सब परफेक्ट है, तो बस आप लोग इसे यूज करो और कमेंट में बताओ कि आपने इसका यूज कैसे और कहां किया। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो सजेस्ट जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।